भर करके स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ। जिस दिन मेरी रेनाटस वेलनेस में एंट्री हुई थी और रेनाटस वेलनेस ने मेरे को चुना था, आपको भी चुना है। पता है बहुत से लोग बोलते हैं मैं रेनाटस वेलनेस को चुना है, आपको चुना है उसने, हमने नहीं चुना। तो उस समय हालात बहुत अच्छे थे समझते हैं कैसे अच्छे, बहुत अच्छे थे। तो जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर, मेरे सीनियर, मेरे गुरु बीरबन चौधरी जी के लिए। क्योंकि उस समय इन्होंने मेरे को संभाला, जब दुनिया ठुकरा रही थी उस समय इन्होंने मेरे को संभाला, जब लोग चाहते थे मैं इनका गला दबा दूं इन्होंने मेरे को गले लगाया उस समय। तो ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, मेरी फैमिली कभी नहीं भूलती, खाते पीते सोते हम हमेशा इनका धन्यवाद करते हैं और करना भी चाहिए, आपको भी करना चाहिए। उसके बाद मैं थैंक यू करूंगा राजवीर सेखों जी का, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, सर ने भी बहुत कुछ सिखाया लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। मेरे को इतना पता नहीं था, जिस कंसेप्ट में मैं पहले था वहाँ पे कुछ और तरीके से काम किया जाता था, इन्वेस्टमेंट लाइन में था और प्रोडक्ट बेस में मैं एक दो कंपनियों में काम किया लेकिन इतना बड़ा काम नहीं हुआ, जहाँ पे आके मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, परफेक्ट नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तैयार हैं सीखने के लिए? किसके साथ आए आप बता सकते हैं? कोई सीनियर के साथ आए हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए हमेशा। जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया ना उसको कभी मत भूलना। जैसे माँ पे जन्म देते हैं ना, जन्म देते हैं ना, या और भी फर्ज होता है उनका, जन्म देना ही सबसे बड़ा फर्ज है, उसके बाद आपके फर्ज शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप रेनाटस वेलनेस में आए हैं, आपके सीनियर ने आपको जन्म दे दिया, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर मैं आज बोलूं कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं और मेरे को उसमें सारे करेक्टर चाहिए, सारे, और मेरे को एक हीरो भी चाहिए, चाहिए आप में से किसी कोई भी एक, कौन कौन बनना चाहेगा? कितने लोग बनना चाहते हैं? विलेन क्यों नहीं बनना चाहते, हीरो ही क्यों बनना चाहते हैं ये बताइए, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में हीरो की जीत होगी, पता है ना? तो भाई आपकी फिल्म भी आपसे शुरू होती है, आप कब हीरो बनेंगे अपनी फिल्म के? क्यों किसी को बनाते हैं? कोई बोलता है मेरा सीनियर मेरा हीरो है वो मेरे लिए कुछ करेगा, कोई बोलता है मेरी टीम मेरे लिए कुछ करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, आप हीरो हैं, आपको ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं? देखो अगर हम आज को नहीं ना जिएंगे तो कल कभी भी हम जी नहीं सकते। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर मजे करूंगा, कभी नहीं कर सकते। कल कभी नहीं आती और ना आएगी, जब भी आएगी आज ही आएगी, जब कल आएगी वो भी आज होगी। इसीलिए आज से शुरू कर दीजिए जीना। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि रेनाटस वेलनेस में है, और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी मैनेजमेंट का, दत्ता सर का, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ और खुद को देख के भी होता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जीवन में चाहिए क्या। कितने लोगों को पता है? पता है, पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। दूसरा, रेनाटस वेलनेस क्या वो दे सकती है, ये भी पता चल गया कि दे सकती है। तीसरा, क्या मैं लेने का दम रखता हूं? अगर आप लेने का दम रखते हैं ना तो सब कुछ मिल जाएगा।